बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑसम कॉन्सेप्ट दैट इज पैरा के साथ तो आज के सेशन में हम लोग पैरा जम्बल्स का देखेंगे खाली और खाली एम सी क्यू वर्जन लेकिन परंतु, अगले सेशन में नॉन एम सी क्यू का मैं स्पेशल स्पेशल सेशन लेकर आऊंगा तो आज का दिन पैरा पैराजल्स को जान लो समझ लो परख लो दिस विल हेल्प यू फॉर कैट एंड ओमेट्स यस कैट में एम सी क्यू नहीं आता है लेकिन सारे ओमेट्स में एमसी क्यू आते हैं तो पैरा पैराजंबल्स समझेंगे ugly bar, we will do exclusive. पीटा वाले क्वेश्चंस दैट इज टाइप इन द आंसर नॉन एमसीक्यू दैट इज फॉर कैट चलो तो आज के वीडियो में क्या करेंगे पहले पहले आपको देंगे इंट्रोडक्शन जो हमेशा देते हैं आपको आपको पैरा जंबल्स के के बारे में, के बारे में में द सो पे अ लॉट 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 ऑफ अटेंशन उसके बाद देंगे भर भर के स्ट्रेटजीज आज का दिन ना स्ट्रेटजीज किलर है यार क्यों क्योंकि ओवरऑल स्ट्रेटजीज के साथ मैं लेकर आया हूं ट्रांजिशन वर्ड्स मैंडेटरी पे सुन लो बबुआ देख लो इसमें मैं आपको दे रहा हूं एक लिस्ट बाई हार्ट कर लो दैट इज करेक्ट मतलब आज के शॉर्टकट होंगे अल्टीमेट जहां पे मैं आपको एक लिस्ट दूंगा आपको बोलूंगा वो बाय हार्ट कर लो एग्जाम में सॉर्टेड बस वो उसके बेसिस पे मार्क करके आना फुल मार्क्स गारंटीड है एंड अफ ज हम लोग लाइव भी खेलते हैं सर क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे एंड में ठीक है चलो मेरे बारे में क्विकली छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा नाम है अमित रोहरा आई एम योर वी एक्सपर्ट मेरे पास है बारह से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस जहां पर हमने पढ़ा है पढ़ाया है फॉर ऑल द पॉसिबल नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम्स जहां पर वी ए या आर सी आता है इसके अलावा हमने कॉल गेटर्स को ट्रेन किया है पर्सनलिटी प्रोफाइल बिल्डिंग में फॉर आई आई एम एंड अदर प्रेमियर बी स्कूल्स में एंड फाइनली आई एम ऑल्सो विजिटिंग फैकल्टी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड at different kinds of b schools for national and international mba चलो अब आ जाओ ठीक है सो 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 बाय द वे क्रिटिकल रीजनिंग चल रहा है जोर शोर से यू गाइस ये सारे मॉड्यूल पे बहुत ध्यान देना ये खत्म करने के बाद आई विल मूव ऑन टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग इतना क्रिटिकल क्यों है सर क्योंकि बेटा ये डेवलप करता है आप में क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे बी स्कूल्स आप में यही एक गुण देखते हैं सो अ लॉट ऑफ अटेंशन करोगे ना माई बाबू वो आपको हेल्प करेगा रीडिंग में so ठीक है चलो ना पैराजल्स हमें पता है सर हमने देखा है सर बेटा बहुत आसान और बहुत सिंपल है अभी आई वॉन्ट एवरी वन टू सिट बैक एंड पे अटेंशन जंबल्स में बेसिकली ना आपको दिए रहते हैं चार या पांच या तो छे वाक्य ठीक है हाँ, हम लिख रहे हैं वाक्य ठीक है आपको दिए रहेंगे नाउ ए है अप ऑर्डर में ठीक है उसके नीचे आपको इन दिस केस आज के सेशन में आपको सिखाऊंगा मैं ऑप्शंस के साथ दैट इज वो होंगे ए बी सी डी लेकिन वो है jumbled. तो आपको करना है उनको अनजम्बल और लगाना है सही उत्तर उत्तर में आपको देंगे मल्टीपल ऑप्शन जैसे कि डी बी सी ए डी ए बी सी ए डी बी सी ए बी डी सी वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर ठीक है तो बस इतना सा ही है इतना याद रखना एंड दिस ऑलवेज हेल्प्स कि एग्जामिनर का पीओवी अभी आपको एग्जामिनर का पीओवी समझाते हैं कि उसने किस बेसिस पे सेट किया है देखो सुन लो एग्जामिनर उठाएगा एक एग्जिस्टिंग पैरा ठीक है सुनो उसको एग्जामिनर उसको करेगा जंबल ठीक है अभी आपको खाली उसके हिसाब से सोचना है बस खत्म बेटा कोई भी न्यू पैरा को इन्वेंट नहीं करता है आपको खाली कोई सोर्स से उठाना है तो देखो

हंड्रेड परसेंट टेंथ में नाइन्थ में मेरे रॉक स्टार्स ने यह किया है तो बेटा इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल वहां से जो स्ट्रेटेजी लगाई थी आज थोड़ा एडवांस करते हैं दैट्स ऑल ठीक है बेसिकली ये भी आपका वर्बल अबिलिटी मैं तो कहूंगा वर्बल अबिलिटी से ज्यादा ये बेसिकली टेस्ट कर रहा है आपका कॉमन सेंस कि अप है और आपको इसको रीअरेंज करना है, है? इसमें कोई, हन, सु, सुनो इसमें कोई आपका ग्रामर टेस्ट नहीं हो रहा है कोई आपका इंग्लिश का हाई लेवल टेस्ट नहीं हो रहा है आपको खाली तालमेल बिठाना है लॉजिक लगाना है तो वो आज सीखेंगे मजेदार है चलो सो इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं ठीक है क्वेश्चन में होगा एक सेट ऑफ सेंटेंसेस जैसे मैंने आपको बताया जनरली इट इज फोर सेंटेंसेस डी इट कुड बी फाइव इट बी सिक्स ए टू एफ डिपेंड करता है हाँ ओमेट्स में बेटा ओमेट्स में ना देर कुड बी अडर ठीक है एंड अ फुटर सेंटेंस एज वेल हेडर फुटर मतलब के ना बेटा ये फिक्स्ड रहेंगे उसके बीच में आपको जमबिल्डअप आएगा ए बी सी डी तो आपको जो आंसर लगाना है वो आपको ऐसे लगाना है कि वन डैश 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 सिक्स आपको इसके बीच वाले को रीअरेंज करना है ये भी हो सकता है ठीक है अच्छा कोहर पैरा दे शुड फॉर्म अलसिबल रैशनल पैरा बस मैं बार बार बता रहा हूं मैं इसी एंगल से बता रहा हूं कि बहुत आसान है पीपल इट इज वेरी वेरी सिंपल इसको तोड़ दो यार ठीक है ये हंड्रेड परसेंट अमित सर बोलेंगे इंस्टाग्राम जो जो पर स्टोरी लगाओ यारेपी लगाओ क्योंकि जेपी मतलब जैक मतलब पॉट ठीक है मुझे टैग करियो दंडर स्कोर अमित अंडर स्कोर हो रहा story, ठीक है तो ये जैकपॉट क्वेश्चन है इसमें फुल मार्क्स लाने हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है हंड्रेड परसेंट यू कैन स्कोर दैट्स ऑल ठीक है चलो तो खत्म खत्म ज्ञान खत्म अभी सीधा स्ट्रैटेजीज पे आते हैं सर उसके बाद सॉल्व करेंगे सेशन ओवर तो कैसे सॉल्व करें इस पर अभी बहुत ज्यादा ध्यान देना है देखो तो बेटा हमेशा ना मैंने आपको आरसी में भी सेम सिखाया है क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल रीजनिंग सब कुछ सेम है द फुल चैलेंज ऑफ कैट एंड ओमेट क्या यू कैन अंडरस्टैंड द चेन ऑफ थॉट बेटा चेन ऑफ थॉट मतलब ऑथर का पीओवी पीओवी मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू ऑथर ऑथर के फीलिंग्स ऑथर के थॉट्स ऑथर क्या सोच रहा है क्या कर रहा है बस दैट इज ऑल कैन यू डू दैट दैट्स द मेन चैलेंज ठीक है सो बेटा इसमें ना पहले पहले आपको डिटेक्ट करना है आपको क्या है आइडेंटिफाई करना है द फ्लो ऑफ इन्फो फ्लो ऑफ इन्फो मतलब कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन हो रहा है गिर रहा है चढ़ रहा है ये बहुत बहुत क्रिटिकल है ठीक है अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया क्या है ऑथर क्या बतलाना चाह रहा है नाउ सेंट्रल आइडिया ऑल्सो रेफर्स टू विषय ठीक है विषय या तो टॉपिक अभी सुनो 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 बहुत आसान है टॉपिक मतलब कि यार यू डिसाइड लुकिंग एट इट इज टॉकिंग अबाउट एन इवेंट इज इट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन इज इट टॉकिंग अबाउट अ यू नो प्लेस एनिमल थिंग ऑब्जेक्ट वॉट उस ऑथर की थॉट्स है इज यू टॉकिंग अबाउट कॉज एंड इफेक्ट ज ए टॉकिंग अबाउट अ सिक्वेंस ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है जो इतना मुश्किल नहीं है इसमें खाली प्रैक्टिस करोगे ना तोड़ बन जाओगे आई प्रोमिस यू ठीक है नाउ सो बेसिकली इसमें होंगे अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स मतलब के वाक्य दे विज थ्रो लाइट ऑन द रीज इन

क्या बोलना चाह रहा है क्यों इज द ऑथर सपोर्टिंग समथिंग इज द ऑथर अगेन अगेन मैं इन सब पे इतना ज्यादा टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूं ताकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को तोड़ सको ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू कम इन योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये याद रखना यार बबू आसन बबू इज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है इसलिए मैं विस्तार में पढ़ा रहा हूं बट बेटा इंपॉर्टेंट है ठीक है सो so, हमने अभी तक क्या सीखा सुनो सुनो मैं फिर से रिपीट करता हूं बहुत जल्दी जल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट करेंगे हम लोग इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ऑथर का पीओवी ठीक है ऑथर का पीओवी क्या है ठीक है मतलब कि उसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है सेंट्रल आइडिया मतलब कि विषय सेंट्रल आइडिया मतलब कि टॉपिक ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको उसका कॉन्टेक्स्ट जानना है आपको जानना है कि उसका सेंट्रल आइडिया या डिस्कोर्स क्या है इससे आ जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फाइनली ठीक है अगर ना बन पाए तो देख लो फाइनली ठीक है इसमें सप्लीमेंट्री आइडियाज क्या है बेटा इस पर मैं और लाइट बाद में थ्रो करूंगा चिल मारो मैं समझाऊंगा आई नो आप सोच रहे हो सर इतना पटर पटर करत हो कहा बोलत हो ओके okay, चिल मारो को, कोई नहीं करेंगे यार लाइफ को डिफिकल्ट करेंगे बेटा सप्लीमेंट्री आइडियाज बेसिकली वो है जो क्या क्या सपोर्ट करत है ठीक है Are there any Are there any जो के पीओवी को सपोर्ट कर रहे हैंज है, रहे, रहे है, so, बार बार एक बार सुन लो समझ लो आपको करना क्या है आपको पीएचडी नहीं करना है प्यार नहीं करना है एक्सपर्टीज नहीं आपको सिर्फ उन वाक्यों को सही ऑर्डर में अरेन्ज करना है बस। ठीक है तो अभी जैसे करना है करो अपने हिसाब से लेकिन अगर नहीं समझ रहा है तो अमित सर की स्ट्रैटेजी यूज करो यार ठीक है तो उसमें ये पीओवी फीलिंग्स कॉन्टेक्ट डिस्कोस आइडेंटिफाई करो स्लोली स्लोली कर करें ठीक है अभी आई नो आई नो आई एम सॉरी बेटा थोड़ा ना थोड़ा कॉन्टेंट ज्यादा लेकर आया हो इस बार स्लाइड्स पे आई डोंट लाइक कॉन्टेंट ज्यादा लेकिन यार ये बाई हार्ट करना है इतना इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है ठीक है अभी बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है आपको ना अगर आप सारे सेंटेंसेस को पढ़ोगे उसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आइडेंटिफाई करने लगोगे तो आपके बाल झड़ जाएंगे पेपर खत्म हो जाएगा सूरज ढल जाएगा तो वो नहीं करना है तो क्या करना है सर ऑप्शन के साथ खेलना है यहां पर रिमेंबर जेपी क्यों बोले हम हैश टैग जेपी जैकपॉट क्योंकि ऑप्शन आर आवर बेस्ट फ्रेंड ऑप्शन है जिंदाबाद ठीक है सो ऑप्शंस में से पहले पहले आइडेंटिफाई करो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कौन सा वाक्य कर रहा है शुरू कौन सा वाक्य कर रहा है खत्म जान छुट्टी सॉर्टेड लाइफ देखो तो अगर आपने सुन लो अगर आपने खाली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को बताया मतलब 50% ऑफ द जॉब डन भाई साहब चार वाक्य है चार में से आपने फर्स्ट का और लास्ट का आइडेंटिफाई कर दिया ऑब्वियसली 50% परसेंट प्रॉबेबिलिटी तो आपकी हो गई मतलब आपने प्लेसमेंट लगा दी दो वाक्यों की, की ठीक है अच्छा कैसे आइडेंटिफाई करें सर के गुरु मंत्र सबसे आंखें बंद करके इसको बाय हार्ट करना है हम यहाँ पे लिख रहे हैं हैश टैग हार्ट जब इसके नोट्स आएंगे जहां पे अमित सर ने बी लिखा है अपनी गंदी हैंड राइटिंग में आप याद कर लेना तो बेटा इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस कौन से होंगे जिसमें आर्टिकल्स आएंगे जो भी सेंटेंस शुरू करेगा अ एन और द के साथ मोस्टली 90% परसेंट दैट इज एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस इफ इट स्टार्ट विद अ एन और द शॉर्टकट ठीक है अच्छा जब भी कोई भी वाक्य में कोई प्रकार का फुल नेम आया कोई प्र किसी चीज का पहला अपियरेंस आया बेटा पहला अपियरेंस को बोलते हैं मेंशन, ठीक है बतलाना ठीक है और इवेंट के आया ठीक है और डेट का आया ठीक है मतलब कि द ग्रेट वर्ल्ड द ग्रेट क्यों बोल रहा हूं मैं सॉरी ठीक so मतलब है ठीक है तो दो चीजें याद रखना है आर्टिकल्स आएंगे अ एन और द ठीक है या तो पहली बार कोई चीज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा या तो वो डेट है या तो इवेंट है या तो पर्सन है या तो कुछ तो सब्जेक्ट है हो गया इंट्रोडक्शन आइडेंटिफाई धीरे धीरे हो रहा है इसमें भी मैं आपको पूरे की वर्ड दूंगा फुल डिटेल आज ही दूंगा अच्छा कंक्लूजन बताओ सर कंक्लूजन बताओ कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स में बेसिकली यूसेज ऑफ आएंगे कौन से सबसे आसान है बाय हार्ट कर लो धेर फोर दस हेन्स फोर्थ सॉर्टेड ये आएंगे ही आएंगे याद कर लो बाय हार्ट कर लो ठीक है सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन ओके अच्छा तो इंट्रोडक्शन हो गया कंक्लूजन हो गया अभी बीच के वर्ड्स है उनको बोलते हैं ट्रांजिशन बेटा ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज चेंज मतलब कि जब एक वाक्य से दूसरे वाक्य से तीसरे वाक्य पे चौथे तो वो चेंज 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 हो रहा है ना देखो हम कैसे डांस कर रहे हैं हमारे डांस को देखो सॉरी सॉरी ठीक है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स दिस विल एड यू बेटा एड मतलब के हेल्प यू इन डिटरमाइनिंग द चेन ऑफ थॉट बस खत्म खत्म तो ये पूरी गेम प्लान में तीन चीजें अमित सर आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन कैसे बताऊंगा बता बाय हार्ट ठीक है आज का सेशन ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन थ्योरी थ्योरी थोड़ा ज्यादा है क्योंकि बाय हार्ट है तो नोट बनाने पुराने जमाने जैसे ठीक है चलो तो पे है पहले हमने आपको बोला ये आइडेंटिफाई करो तो अगर आपने समझो ओपनर निकाल दिया कंक्लूजन निकाल दिया आपसे ट्रांजिशन बन ही नहीं रहा है यार सर मेरे को चेन समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें ना अभी थोड़े लिंक लगाओ बेटा लिंक को अमित सर बोलते हैं जोड़ा जोड़ी ठीक है चने के खेत में गाना मत गाना वैसे मन कर रहा है पर नहीं कर सकते जोड़ा जोड़ी बनाओ ठीक है सो so, अभी सुनो बेटा यहां पे जोड़ा जोड़ी बनाने के लिए यू हैव टू कंबाइन कंपाइल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन ट्रेट्स और इंडिकेटर्स ये जो इंडिकेटर्स अमित सर बोले हैं इसका मैं आपको फुल लिस्ट आज दे दूंगा ठीक है मेरे को पता है मैं थोड़ा इंग्लिश में पटर पटर कर रहा हूं थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन नहीं है तो so, आपको जोड़े बनाने हैं बेटा जोड़े समझो के अभी जैसे कि देखो अभी हो गए आपके चार सेंटेंसेस और बी और सी और डी नाउ रीड करने के बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड सर सी और ए जो है मे देर इज अ पेर ठीक है बी और डी जो है मे देर इज अ पैर वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा उसको बोलते हैं लिंक्स या ठीक है सो so, वही आपको अमित सर बताने को ट्राई कर रहे हैं कि बेटा लाइफ में इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड आएगा उसको तोड़ो अपनी प्रॉब्लम्स को तोड़ तोड़ के करना सीखो सो देन सिंप्लीफाई करो टू स्मॉलर स्मॉलर पैकेट्स एंड अरेंज देम टू फॉर्म अ कोहर पैरा कोहर पैरा वो होता है जो लॉजिकल पैरा बनता है तो सुनो सुनो समझो आपने पूरी स्ट्रेटेजी समझ ली समझो आप बन गए तोप आपने लगाया कि ना सर ए सी साथ में है और बी डी साथ में है उनके बिना तो हो ही नहीं सकता अभी आपको क्या लगाना है कि ए शुरू करेगा कि बी शुरू करेगा ठीक है बिकॉज कॉमन सेंस है इसमें ओपनर कौन सा है समझो आपने वो भी समझ लिया अमित सर के टीचिंग के बेसिस पे कि बी शुरू करेगा अगर बी शुरू करेगा तो आपका सेंटेंस क्या बना पैरा क्या बना बी डी ए सी खत्म शॉर्टकट आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपने जोड़े बना दिए आपने डिटरमाइन कर दिया कि बी ओपनर है बस खत्म गो टू दैट ऑप्शन बी डी ए सी टाइम सेव लाइफ सेव मार्क्स इन योर पॉकेट दैट इज वाई दिस इज द मैजिक ऑफ पैरा पैराजल्स एंड यू आर इतना ऑसम और अमेजिंग है ठीक है सो so, मजा आ रहा है समझ आ रहा है धीरे धीरे कर रहे हैं एंड पीपल अभी से ठीक है ट्रांजिशन वर्ड्स पे मैं स्पेशल सेक्शन लेकर आया हूं यहां से पूरा का पूरा शुरू होता है बी एच स्लाइड बी एच का मतलब है बाय हार्ट बेटा इसको बाय हार्ट करना है ठीक है इसीलिए भर भर के कंटेंट आएगा लेकिन यार बाय हार्ट कर लो वेरी इंपॉर्टेंट है वाइटल है चलो सो पीपल ट्रांजिशन वर्ड्स ये क्या होते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स वो होते हैं जो जोड़े बनाने में आपकी मदद करते हैं तो इसको हमने कैटेगराइज करा है किस प्रकार से जोड़े बन सकते हैं सो द फर्स्ट टाइप इज समथिंग कॉल्ड एज कॉज एंड इफेक्ट सबसे ज्यादा इजी सबसे ज्यादा शॉर्टेड कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि यह हुआ है उसकी वजह से यह होगा तो कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है ठीक है सो बेसिकली ये वर्ड्स विल कैरेक्टराइज ये वर्ड्स विल डिटरमाइन द कॉजैलिटी बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है कॉज मतलब के कॉज हम कैज िटी नहीं बोल रहे हैं कॉजैलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉज कॉज बोले तो कॉज एंड इफेक्ट प्रेजेंट इन द पैरा ठीक है सो आपको पता चलेगा कि कोई चीज तो किसी चीज का कारण है उसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट ठीक है नाउ हंड्रेड परसेंट देर बी अनदर एस्पेक्ट बीइंग डिस्कस्ड मतलब, के असर on another aspect being discussed, मतलब के यार कुछ तो हुआ अभी जैसे कि बेटा देखो अच्छा अगर हम अभी बात करते हैं टर्की में अर्थक्वेक आया ठीक है सो हंड्रेड परसेंट दे विल बी सम अर्थक्वेक स्ट्रक In the early hours of the morning, उसकी वो दूसरा इवेंट की असर हुआ हंड्रेड परसेंट दैट इज वर्ल्ड स्टार्टेड सेंडिंग एड एंड रिलीफ एफर्ट यूनाइटेड नेशन सेंट इज टीम ऑफ एक्सपर्ट वगैरा वगैरा ठीक है तो अमित सर ने आपको लिस्ट दिया है यहां पे हम हैश लिस्ट लिख रहे हैं बेटा जहां पे भी हैश लिस्ट लिखे है, हैश टैग बीएच लिखे हैं मतलब बाय हार्ट तो जब भी आप नोट्स खोलोगे इमीजिएटली ये सेक्शन को बाय हार्ट कर लेना तो कौन से कौन से वर्ड्स हैं ड्यू टू ठीक है एज सिंस कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट देर फोर दस हेंस एट्रा इसका मतलब क्या है ऑल ऑफ दीज वर्ड आर गोइंग टू इंडिकेट causality. Causality कॉजैलिटी का मतलब है कारण असर उसकी वजह से हुए है सो दे आर ट्रांजिशन वर्ड्स तो इसके बेसिस पे आपके जोड़े बन जाएंगे मतलब कि कोई भी दुर्घटना दी हो सुनो 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 कोई भी दुर्घटना या घटना दी हो उसके बाद अगर कोई वाक्य शुरू हो रहा है विद आई हाईलाइट वाक्य शुरू हो रहा है विद ऑल ऑफ दीज इसका मतलब है कि ये जोड़ा जोड़ी है इसका मतलब है कि वो ये उसके बाद लगेगा ही लगेगा तो अभी योर लाइफ ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ठीक है चलो बट वी आर नॉट डन सो एक हुआ आपका कॉज इफेक्ट उसके बेसिस पे बेटा दूसरा जो सुपर इजी है ये तो प्रे करना ये है आपका हैश टैग जेपी स्क्वेर डबल जैकपॉट ठीक है इट्स नॉट जे स्क्वायर पी स्क्वायर ओके तो बेटा ये आ गया तो लाइफ सॉर्टेड ये बहुत आसान है टाइम या तो सीक्वेंस तो एक हो सकता है कारण और घटना ठीक है दूसरा हो सकता है सर उसको ऑर्डर में अरेंज करो पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, हुआ, हुआ. खत्म कहानी तो इसमें ना बेटा हंड्रेड परसेंट ना उसका सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस मतलब कोई तो डेट कोई तो टाइम कोई तो टाइम पीरियड कोई तो सेंचुरी उसमें आपको पता चल जाएगा कि यार ये पहले ही हो सकता है इसके पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता है शॉर्टेड लाइफ िस इज गुड ठीक द टाइम ऑर्डर इज एक्सप्लेसिटली तो बेटा एक्सप्लेसिटली मतलब डायरेक्टली विजिबल ठीक है वेन वी रीड सच स्टेटमेंट हंड्रेड परसेंट ही आपको डायरेक्टली दिया गया रहेगा क्लियरली दिया गया रहेगा ऐसा ही होगा उसके अलावा स्कोप ही नहीं है सो गुड सो गुड आई एम लविंग इट ठीक है नाउ वापिस से हैश टैग लिस्ट ठीक हैश टैग बाय हार्ट तो यार बाई हार्ट करना है कैसे पता चलेगा सर टाइम सीक्वेंस फर्स्टली लास्टली फाइनली प्राइमरिली सिंस ठीक है सिंस मतलब है। सिंस मतलब कि से शुरू हुआ है बेटा कारण नहीं मैं वो सिंस की बात कर रहा हूं ठीक है चलो टू बिगेन विद टू कंक्लूड देन इवेंचुअली सब्सिक्वेंटली ग्रेजुअली बेटा ये सब बाय हार्ट कर लो ऑल ऑफ दिस बेसिकली अगर आपको कोई घटना दी है और उसके बाद ये वर्ड्स आए हैं मतलब के ये उसके बाद आए हैं तो ये हो गया आपका जोड़ा जोड़ी अभी समझ में आ रहा है पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको कॉजैलिटी बताया कॉजैलिटी मतलब के कारण तो वो कॉन्सिक्वेंटली देर फोर वगैरह वगैरह अभी मैंने आपको बताया टाइम और सीक्वेंस तो फर्स्टली सेकेंडली प्राइमेली लास्टली टू कंक्लूड विथ ये उसके बाद लगेगा समझ में आ रहा है तो ये अलग अलग कैटेगरीज है जहां पर आपको जोड़े बनाने में बड़ी आसान होगा एक बार जोड़े बन गए ना सोचो यार सोचो सोचो अगर आपने वन टू थ्री फोर चार सेंटेंसेस आपको दिए हैं सपोज आपने जोड़ा बना दिया कि सर टू थ्री जो है हंड्रेड परसेंट साथ में ही आएगा ठीक है पहले टू आया फिर थ्री आया क्यों क्योंकि टू घटा उसकी वजह से थ्री हुआ या तो टू घटा उसके बाद थ्री घटा बस टू थ्री अगर आपको पल्ले पड़ गया समझो नाउ यू हैव टू ओनली सर्च फॉर ऑप्शन जिसमें टू एंड थ्री इज गिवेन शॉर्ट खत्म दैट इज द ब्यूटी दैट इज वाई इट इज जैकपॉट ठीक है अगर एक ऑप्शन में है मार्क करके खत्म करो आपको सोचो वन और फोर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है एंड अगर दो ऑप्शन में फिर आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा फिर उसमें थोड़ा आपको लेकिन तो भी दो ऑप्शन तो निकल गए फिफ्टी परसेंट सडनली यू आर क्लोजर दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट ठीक है चलो सो so बेसिकली फिर से क्या करना है अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ऐसे वर्ड्स आपको दिख गए जो होते हैं यार 90 परसेंट इट इज आइदर कॉजालिटी या टाइम सीक्वेंस पेयर दी सेंटेंसेस बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस उसमें फिर ऑर्डर लगाओ यार मतलब कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर वो हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ बस खत्म कहानी ठीक है सो बेटा वंस अगेन आई एम जस्ट क्विकली रिकेपिंग बिटवीन दिस स्लाइड एंड बिटवीन दिस स्लाइड यू हैव मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन याद कर लेना बहुत क्रिटिकल है इसको बाय हार्ट कर लेना ठीक है तो so, मतलब कि मैं आपको आज का दिन एक शोअर शॉट मैं आपको वे सिखा रहा हूं हंड्रेड परसेंट स्कोरिंग इन पैराजल्स फॉर ओमेट्स आज ओमेट्स अगली बार कैक क्योंकि नॉन एमसीक्यू अगली बार लेकिन कैट है बहुत हाई लेवल तो आज बेसिक समझ लो और कॉन्फिडेंस बढ़ा लो ठीक है? चलो, चलो। अच्छा, छोटे -छोटे 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 है तो इसको हम बोलते हैं है. तो वो, वो मसाले होते हैं जो ऊपर ऊपर से पड़ते हैं ठीक है लेकिन स्वाद में बड़े मजेदार है तो भी आ सकते हैं तो बाय हार्ट कर लो ठीक है तो ये होंगे छोटे छोटे ट्रांजिशन वर्ड जहां पर मे बी एक कंपेरिजन लगाओगे ठीक है सुनो वैसे तो होगा कॉज एंड इफेक्ट मोस्टली वैसे तो होगा टाइम सीक्वेंस मोस्टली लेकिन नहीं होगा पेपर सेटर हम जैसे कोई ए, मिल जाते हैं आपको कोई महारथी तो कुछ ऐसे भी दे सकते हैं जहां पे आपको कंपेयर करना है ठीक है सो so, कंपेयर कैसे करते हैं या तो सिमिलैरिटीज होगा या तो डिस्टिंक्शन होगा ठीक है विविधता होगी या तो एकत्रता होगी समझ में आ रहा है तो बेटा बस ना ये वर्ड याद कर लो यार पूरे के पूरे वापिस है Hashtag BH, मतलब के बाय हार्ट दिए हैं आपको बाय हार्ट ठीक है सिमिलरली कॉन्ट्री बेटा कॉन्ट्री मतलब के उल्टा ठीक है ऑन द अदर हैंड हाउ एवर येट ऑल दो लाइकवाइज नेवर द लेस इन द सेम वे खत्म सो मतलब कि अगर कोई वाक्य दिया है जिसमें कोई घटना है पर्सन है इवेंट है थ्योरी uh, है उसके बाद अगर ये वाक्य वाला कोई भी दिया है ये उसका जोड़ा है खत्म क्योंकि दिस इज इंडिकेटिंग कंपेरिजन और दिस इज इंडिकेटिंग यू नो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस अगर मेरे रॉक स्टार्स को समझ में आ रहा है एंड पीपल यू आर जेन्यूनली लाइकिंग इट प्लीज़ कॉमेंट्स में एक हार्ट दे दो यार ठीक है एक थम्स अप दे दो फायर इमोजी दे दो कोई तो इंडिकेट कर दो कि आपको मजा आ रहा है और समझ में आ रहा है ठीक है बेटा अमित सर ने बहुत रिसर्च करके बहुत स्टडीज करके ये मास्टर लिस्ट कंपाइल की है ताकि मेरे को कहीं भटकना नहीं पड़े ये थियोरी इज क्रिटिकल एंड क्रूशियल यू गिव पैरा पैराज फॉर एनी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम यू विल किल इट ये मेरा प्रॉमिस है ठीक है सो so यार अमित सर को सपोर्ट दिखाओ प्लीज थैंक यू सो मच चलो पीपल वी आर नॉट डन अभी तो पिक्चर वाकि हाँ चलो मैंने ये वर्ड पहले भी मेंशन किया था मुझे तभी भी थोड़ा हैवी ड्यूटी लगा था इसलिए मैं फिर से इस पे आया हूँ सप्लीमेंट्री आइडिया मार्कर्स ओहो हो सर ये कहाँ है तो बेटा सप्लीमेंट्री सिंपली मीन्स सपोर्ट कभी कभार क्या होता है कभी कभार क्या होता है हम लोग कुछ कॉज एंड इफेक्ट नहीं दिखा रहे हम लोग कोई टाइम और ऑर्डर नहीं दिखा रहे हम लोग कुछ वो सिमिलैरिटी डिफरेंस भी नहीं दिखा रहे तो क्या ऐसे कभी कभी सपोर्ट देते हैं ऑथर को ऑथर अपने ही विषय वाक्य को सपोर्ट देता है ये कैट में बहुत आता है बबुआ सो पे लॉट ऑफ अटेंशन क्योंकि ये डिफिकल्ट है ठीक है सो सप्लीमेंट्री वर्ड्स में ना कैसे पता चलेगा लिस्ट है Hashtag least people least today's only theory यार that is why you see so much content today ठीक है additionally furthermore also in addition to moreover besides ठीक है दिस इंडिकेट्स दैट ये एक सप्लीमेंट्री आइडिया है टू द मेन पॉइंट वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट सपोर्टिंग आइडिया टू द मेन पॉइंट ऑब्वियसली ये सारे वर्ड एडिशनली इन एडिशन टू फर्दर मोर उसको उभार रहा है निखार रहा है लेकिन आपके दिमाग में क्या है जोड़ा जोड़ी है बेटा so, अगेन आप इंग्लिश में चाहे हो वीक आपकी इंग्लिश पटर पटर ना हो आपको पैरा जंबल का प भी आपको वाक्य ही समझ में नहीं आए लेकिन आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कोई तो एक चीज के बारे में बोल रहा है एंड जैसे ही ये सेंट ये वर्ड्स आएंगे ये वर्ड्स आ गए आपको ये समझ जाना है कि अमित सर ने बोला है ओ ये तो सपोर्ट है जोड़ा जोड़ी जाने के खेत में बस खत्म दिस इज द मैजिक ये ये जुगाड़ सीखो या लाइफ में ठीक है चलो तो आपके ग्रुपिंग बन जाएंगी ठीक है मेन आईडिया के साथ क्योंकि आपने सप्लीमेंट्री आईडिया लगा दिया आपके पास लिस्ट आ गई आपने बाय हार्ट कर लिया था एंड देन ठीक है यू कैन आल्सो एलिमिनेट स्टेटमेंट्स इसके बेसिस पे कि यार ये शुरुआत नहीं कर सकते बेटा असेंट ज्यादा करके ज्यादा करके कैन नॉट स्टार्ट विद मोर ओवर और बिसाइड्स क्योंकि थोड़ा वियर्ड है That means, very powerful. Suddenly, आपको भी पता है आपको भी पता है कि अगर चार चार दिए हैं, ये sentences, टू या थ्री में ही आएंगे क्योंकि ये बीच वाले सेंटेंसेज ही लग रहे हैं मोर ओवर फर्दर मोर इन एडिशन टू जैक ये ये सोचने से भी ना आप पावरफुल बन सकते हो यार मजा आ सकता है सो कीप दिस इन माइंड ठीक है चलो पीपल अभी थोड़े बहुत फाइनली टिप्स एंड ट्रिक्स इसके पहले मैं मैंडेटरी पैर भी आपको समझाऊंगा एंड देन वी आर डन डन आंड्रेड परसेंट ना बेटा सुनो अगर दाल ना गले एग्जाम में कुछ भी समझ ना आए अमित सर का एक गोल्डन रूल समझ लो जनरल टू स्पेसिफिक जनरल टू स्पेसिफिक रूल है ठीक है इसका मतलब है कि पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को निकालो एंड उसके बाद डिटेल्स पे जाओ ठीक है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मतलब कि कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मतलब कि विषय या टॉपिक के बारे में बात करना उसके बाद उसके अंदर खरोज खरोज के तो मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक ये ट्राई करना हमेशा वो सेंटेंस को निकालना जो पहले आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा वो कोई विषय को बंदे को आइडिया को निकालेगा ठीक है तो तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नंबर वन क्लोजिंग सेंटेंस नंबर टू ये सेंटेंस जो है खत्म करेगा कंक्लूड करेगा जो सब कुछ बोला गया मैं ये कर रहा हूं बेटा टिप्स एंड ट्रिक्स ये है एंड फाइनली मैंडेटरी पेयर मैंडेटरी पेयर इज नथिंग बट जोड़ा जोड़ी इस पे पूरा अभी पिक्चर बाकी है ठीक है मैंडेटरी पेयर सो पीपल वंस अगेन आपको कॉन्टेंट ज्यादा लग रहा है क्योंकि लिस्ट है बाय हार्ट Mandatory pets कैसे बनाएं, सर? अभी blindly. तो अभी मैं अभी तो मैं तक भी आपको बहुत सारी चीजें बता चुका of, uh, causality, time and sequence, ठीक है? ओ, क्या सप्लीमेंट्री uh, आइडिया लेकिन अगर वो भी दाल ना गले तो मैंडेटरी पेट्स ऐसे बनाओ सबसे इजी है बेटा नाउन और प्रोनाउन का रेफरेंस खत्म अगर मैंने बोला कि शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन विलेज इन इंग्लैंड ही वेन्टोन टू राइट ग्रेट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर तो बेटा यहाँ पे शेक्सपियर और ही मतलब के ना इजी? So, ये कभी भूलना मत सो so, जो भी नाउन मेंशन है कैन बी रिप्लेस बाय प्रो नाउन ठीक है तो so, अगर कोई भी कोई भी वाक्य का शुरू हुआ विद ही मतलब कि ये किसी पहले वाले चीज को रेफर कर रहा है उसका जोड़ा बन गया ठीक है चलो सब्जेक्ट मैचिंग लगाओ सो so, दो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द सेम सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया ही शी दे इट मतलब कि 100 परसेंट कोई वाक्य ने किसी चीज के बारे में तो बोला है ठीक है जैसे कि शेक्सपियर हो गया एम एस धोनी हो गया स्टीव जॉब्स हो गया जो भी यार एंड देन दे उसके बारे में शी जो भी सो दैट मीन्स मैंडेटरी पेर ठीक है अच्छा उसके बाद बेटा टाइम सीक्वेंसेज लगाओ सो इफ अ गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कंटेन्स रेफरेंस टू टाइम बेस्ड टाइम बेस्ड मतलब कि पहला ये दूसरा ये तीसरा ये मेक श्योर टू मेंटेन अ पर्टिकुलर ऑर्डर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बेटा कॉमन सेंस है जनरली तो जनरली नहीं हंड्रेड परसेंट टाइम आगे ही बढ़ता है तो पहले भूत फिर वर्तमान फिर भविष्य तो भूत वर्तमान भविष्य तो मेंटेन कर लेना पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर फाइनली

Consequently, hence, for one thing above all, aside from, besides, in other words, instead, likewise, on one hand, on the other hand, rather, meanwhile, next, then, soon, in conclusion, after all in all, to sum up. So, no, so, no, so, no, so. No. ये सारे के सारे गामा को लेकर गाते सॉरी ठीक है ये सारे के सारे आपके जोड़े बनाएंगे ये सारे के सारे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकते हैं दे विल ऑलवेज सपोर्ट एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस और दे विल कम बिफोर अ कंक्लूडिंग सेंटेंस बाय हार्ट याद कर लो यार ज्यादा मुश्किल नहीं है सो so, अब अभी अभी जब सॉल्व करोगे सोनो ये सेशन के डीपीपीज़ जब सॉल्व करने बैठोगे अमित सर के ये स्लाइड्स को सामने रखना रेफर करना एंड स्टार्ट कैटेगराइजिंग ओ ये तो ना कॉजेलिटी वाला मैंडेटरी पेयर है ओ oh, ये तो ना सप्लीमेंट्री आइडिया मार्कर वाला है ओ oh, ये तो uh, हमारा टाइम सीक्वेंस वेस्ट है बस बेटा तोड़ दोगे ये मेरा प्रॉमिस है चलो जी अभी सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे इनफ ऑफ ज्ञान अगेन इफ यू हैव बीन एंजॉयिंग सो मच एंड अभी तक अगर मजा आया है समझ आया है जल्दी जल्दी एक फायर इमोजी तो बनता है लाइव चैट में फुल जोश में फायर इमोजी लगाओ पीपल डिड यू अंडरस्टैंड ठीक है ये किलर स्ट्रैटेजीज है टॉपर स्ट्रैटेजीज है फुल जुगाड़ू स्ट्रेटेजीज है टू फॉर यू टू स्कोर हंड्रेड परसेंट इन पैरा जम्पल एमसी नॉन एमसीक्यू अगला सेशन यार और उसमें भी तोड़ देंगे टेंशन मत लो चलो सो पीपल लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग अभी खत्म मेरा ज्ञान खत्म अमित सर बात कर करके थक गए हैं मैं स्क्रीन से हट रहा हूं आपको पढ़ना है बेटा चार सेंटेंसेस दिए हैं वन टू थ्री फोर इसके बेसिस पे दिए हैं ऑप्शन ए बी सी डी ठीक है A, B, C, तो आपको इनको अरेंज करना है ठीक है चलो तो ये हो गया मैं स्क्रीन से हट गया एंड पीपल स्टार्ट रीडिंग एंड स्टार्ट आइडेंटिफाई आपका ऑर्डर यूज ऑल ऑफ द बेसिक जो अभी तक दिए हैं चलो नंबर वन द रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिक्स एंड मोरालिटी इज इजी टू थिंक बट हार्ड टू अंडरस्टैंड ये अच्छा लग रहा है क्योंकि ये कुछ शुरू भी कर रहा है विषय हमारा बट चलो लेको बापरेउन रेफर सेव द फाइव ऑर द वन बट नॉट बोथ शी क्लियरली नीड्स टू सेव द फाइव शी दिसा दिस इज ऑल्सो अ मैंडेटरी पैर मतलब ये कोई तो चीज को रेफर कर रहा है क्या रेफर कर रहा है समझो ठीक है इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ मैथमेटिक्स टू मेक अ मॉरल डिसीशन फाइव इज ग्रेटर देन वन तो बेटा ये रेफरेंस है कोई तो चीज का जो आपको ढूंढना है ठीक है सो जेन सो जेन तो बेटा यहां पे ना मतलब कि जेन दीदी का वाक्य इसके पहले आएगा तो देखते हैं कौन सा है शुड सेव द फाइव चलो फाइनली ऑप्शन सेंटेंस फोर सपोज जेन सीज ओ ओमाई गॉड तो जेन दीदी आ गई जेन के बाद ये है आ गया ठीक है सीज फाइव पीपल ड्राउनिंग ऑन वन साइड ऑफ अ लेक एंड वन पर्सन ड्राउनिंग ऑन द अदर साइड ठीक है चलो सो so पीपल आपके पास ये भी आ गया ना हंड्रेड परसेंट मेरे हिसाब से तो वन शुड बिगिन ठीक है चलो चलो चलो। मैं, मैं आपको कुछ नहीं। आपके ऑप्शन तो तो आप में ठीक है अगर आप देखते हो वैसे अगर आपको आंसर आ गया तो लाइव चैट पे स्पैम करना आंसर शुरू कर दो ए और बी और सी और डी वीडियो को पॉज कर लो बेटा सुनो सुनो ये लाइव वीडियो नहीं है रिकॉर्डेड है पॉज कर लो आंसर लिख लो फिर कंपेयर कर लो मैं तो क्या डिस्कस करते करते आगे बढ़ी जाऊंगा पर तुम अपने पहले मेहनत करो तो पीपल नाउ इफ यू ऑब्जर्व इसमें या तो थ्री ओपनर है या टू ओपनर है वन थ्री रिपीट हुआ है दो बार सो so, पहले डिटरमाइन करते हैं कि ओपनर इज बिटवीन वन और टू और थ्री देखे तो ठीक है और तो ओपनर नहीं हो सकता है बिकॉज थ्री ओपनर नहीं हो सकता uh, हो सकता है क्योंकि पीपल दिस इज अ सिंपल एग्जांपल है ठीक है सो वन और टू और थ्री सो टू नहीं हो सकता है थ्री uh, नहीं हो सकता है ओ माई गॉड एक ही आंसर ऑप्शन बचा पीपल आंसर ऑप्शन सी दैट इज वन फोर टू थ्री सॉरी तो अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने खाली फर्स्ट ऑप्शन के बेसिस पे एलिमिनेट करके ये निकाल दिया एंड देखो पीपल वन फोर टू थ्री देखते हैं वन फोर टू थ्री देखते हैं इसको भी हम लोग थोड़ा साफ करेंगे ठीक है सो द रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिक्स एंड मोरालिटी इज इजी टू थिंक बट हार्ड टू अंडरस्टैंड वाह 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 ठीक है क्या था वन फोर टू थ्री तो ये हमने अभी मैथ्स और मॉरल्स के बारे में सपोज जेन दीदी सीज फाइव पीपल ड्राउनिंग ऑन वन साइड सो वन और फोर ठीक है बट ऑन द अदर साइड देर आर लाइफ प्रिजर्वर्स तो अगर आप ध्यान देते हो सो बेटा फोर के बाद वन फोर टू थ्री ना हाँ वन फोर टू थ्री ठीक है सो देर आर लाइफ प्रिजर्वर्स की बात भी आ गई मतलब कंडीशन आगे बढ़ा रहा है एंड फाइनली is a simple example of the use of mathematics to make a moral decision ki को बचाना है कि ki को बचाना है कि ki को ko kisko बचाना है And people correct answer is answer option C. ठीक yeah. है तो इसी बेसिस पे अपना को अपना लॉजिक लगाओ बेटा मेरे को मेरे को मत देखो भले अगर आपको कुछ और चमका विनीत सर आपको कुछ और स्ट्राइक हुआ कंप्लीटली ओके बट पैरा जंबल्स इज दिस इजी आई प्रॉमिस यू दैट्स द मैजिक अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अमित सर हट गए हैं फुल जोश में शुरू करो लेके प्रभु का नाम ठीक है चार सेंटेंसेस है बेटा ऑप्शन देख लो ये आपके ऑप्शन है ठीक तो so, तो तो है।, है बाकी ऑप्शन देख लो, एक बार देख लो। आ... <coughs> मैं ट्राई कर रहा हूं देखने को कि कोई मैंडेटरी पेर नजर आ रहे हैं क्या तो एक थ्री टू का मैंडेटरी पेयर भी नजर आ रहा है अगर आप देखना चाहो तो अगर आप देखना चाहो तो बट चलो बाकी थ्री फोर नहीं है चलो एनी मैं आपको खाली बात बता रहा हूं मैं आपको खाली बात बता रहा हूं ऑप्शन है ठीक है uh, चलो अभी हम जाएंगे हटेंगे हम स्क्रीन से हट गए बेटा पढ़ो एंड आंसर लिखना शुरू करो नंबर वन द रिट्रीट ऑफ द रशियन ट्रूप फ्रॉम जर्नोविल ऑकर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ मार्च 2022, ट्वेंटी टू जस्ट फाइव वीक्स आफ्टर द एरिया हैड बीन ऑक्यूपाइड सो फर्स्ट सेंटेंस इंटरेस्टिंग है जहां पे ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ किसके बारे में तो दिया अबाउट एन इवेंट सच अ फ्यूचर सच अ फ्यूचर किस प्रकार का फ्यूचर हमें नहीं पता है बट बेटा देखो ध्यान से मे बी बीमोन्ड अभी बीमोन्ड का मतलब आपको नहीं पता है तू भी टेंशन मत लो मैसेज इसका मतलब होता है रोना और विद अ गुड मेजर ऑफ मिसेंथ्रोपी बापरे ठीक है इतना सेफ टू अंडरस्टैंड है कि मिसेंथ्रोपी एक नेगेटिव वर्ड है क्योंकि स्टार्टिंग विद मिस एम आई एस ठीक है सेलिब्रेटेड फाइनली अर्थ विल हैव बीन क्योर्ड ऑफ ह्यूमंस हु कैंसर लाइक एरोडेड इट्स क्लाइमेट्स एंड इकोसिस्टम्स एवरी थिंग दैट कंसर्स चरनोबिल तो अभी तक चरनोबिल यहां पर आया है एंड यहां पर आया है मैं ये नहीं बोल रहा कि यह जोड़ा है चिल मारो ठीक है द नेम ऑफ द प्लेस लॉन्ग सिंस सिनोनमस विद इवेंट है वहां पर चरनोबिल डिजास्टर हुआ था यार ठीक है इस पार्ट ऑफ अ मीनी एच पोस्टलिप्टेटा ये वर्ड नहीं आता है तो चिल मारो डोन्ट वरी ठीक है लेबोरेटरी फॉर इमेजिनिंग द वर्ल्ड विदाउट अस अ ग्लोबल फ्यूचर माय गॉड हंड्रेड परसेंट दिस इज रिलेटेड टू दिस सो थ्री टू का जोड़ा तो हंड्रेड परसेंट बेट रहा है भाई साहब ठीक है क्योंकि थ्री एंड हो रहा है ग्लोबल फ्यूचर में टू शुरू हो रहा है सच अ फ्यूचर में थ्री टू इज माई पेयर ठीक है वेर देर इज नो प्लेस फॉर ह्यूमन बींग्स दिस द रियल सेट <laughs> तो फोर शुरू नहीं कर सकता है पर फोर ऑप्शन भी नहीं है इस फार फ्रॉम इडियोसिनक्रेटिक वापिस से डोंट बॉदर सरियल वर्ड का मतलब क्या है ठीक है इडियोसिनक्रेटिक का मतलब क्या है वैसे बेटा बहुत आसान है सरियल मतलब नॉट रियल ना रियल ठीक है इडियो सिंक्रेटिक को तोड़ो इडियट इडियट वर्ड बनता है लिटरली ठीक है तो चलो हमने इसमें से क्या निकाला कि थ्री टू तो एक जोड़ा बन गया सो पीपल वन सेकेंड वन सेकेंड आपको मैं ऑप्शंस दिखा रहा हूं यार वीडियो को पॉज कर लो आंसर लिख लो खुद से और कंपेयर कर लो मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं बट यू प्लीज पार्टिसिपेट ठीक है सो so मैंने क्या बताया था थ्री टू तो जोड़ा है थ्री तो ये निकल गया और ये निकल एक सेकेंड हम लोग उसको वो करेंगे जरा ठीक है तो ये निकल गया एंड ये निकल गया अभी थ्री टू बचा थ्री टू बचा अभी आपको ये डिटरमाइन करना है कि थ्री ओपन द सेंटेंस और वन ओपन्स द सेंटेंस ये डिटरमाइन करना है तो देख लेते हैं एक बार थ्री कैन थ्री ओपन द सेंटेंस एवरीथिंग दैट कंसर्स नोबेल द नेम और आई टू सजेस्ट वन ओपन द सेंटेंस बेटर ठीक है द रिट्रीट ऑफ द रशियन ट्रूब्स अकर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ मार्च ट्वेंटी तो हमारा क्या बनता है अगर हम वन करते हैं तो वन फोर थ्री टू ठीक है 1 4 3 2 देखते हैं 1 के बाद दिस सुरियल सेट ऑफ सरकमस्टेंसेस दिस आल्सो मेक्स कंप्लीट सेंस बिकॉज़ वो सपोर्ट कर रहा है एंड पीपल इसी के बेसिस पे द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी तो वंस अगेन वंस अगेन ठीक है बेटा देखो अभी वापस से आपका 3 2 तो जोड़ा बन गया था ठीक है पीपल 3 2 लेकिन 1 4 जो है कैन नॉट बी एट द एंड कैन नॉट बी एट द एंड बिकॉज़ वन के बाद फोर के बाद थ्री मेक्स अ लॉजिकल सेंस ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो थ्री टू बना दिया वन फोर बना दिया लेकिन फोर के बाद थ्री आना बहुत जरूरी है क्योंकि दिस सरियल इज फार फ्रॉम इडियोसिंक्रेटिक ठीक है एव नाउ सरकम स्टेंसिस जो वर्ड है दैट इज लीडिंग टू चरनोबिल के बारे में यू कैनॉट एंड ऑन फोर इज वॉट माई पॉइंट इज इसीलिए ए निकल गया यू कैनोट एंड ऑन फोर क्योंकि वो हवा में है ठीक है फोर के बाद फ्री भी बहुत जरूरी है बेटा एंड दैट इज आंसर इज आंसर ऑप्शन सी सुनो सुनो अभी ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपके डीपीपी में दिया है पढ़ लेना मैं रिपीट नहीं करूंगा पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वो आपके डीपीपी में दिया है. मैं आपको अप्रोच टू सॉल्विंग दिखा रहा हूं तो देखो ठीक है अगला सवाल एंड वी आर हैविंग टू मच फन एज यूजल बेटा वंस अगेन चार सेंटेंसेज है uh, आपको ऑप्शंस दिखा देते हैं पहले ऑप्शंस दिखा देते हैं सो so, ये ऑप्शंस है अगर आप ध्यान देते हो तो दो वाक्य टू से शुरू हो रहे हैं या थ्री या फोर सो योर ओपनर इज बिटवीन टू और थ्री और फोर कोई मैंडेटरी मैं नजर आ रहे हैं क्या मैंडेटरी नजर आ रहे हैं क्या ध्यान से देखो हम्म hmm. समझ hmm. में तो नहीं आ रहे है। चलो ठीक है बट न लेस सो योर ओपनिंग जिस विल बी बिटवीन टू और थ्री और फोर लेट्स स्टार्ट चलो ऑप्शन स्टेटमेंट वन वाई वाई बिकॉज तो ठीक है ंड्रेड परसेंट दिस के नॉट बी द ओपनर एनी वेज इज नॉट द ओपनर ठीक है बिकॉज कांग्रेस इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर थ्रू विच द यूएस डिक्लेयर वॉर सो यहाँ पे कांग्रेस भी आया फॉर्मल भी आया वॉर भी आया मैं तो आपको बता रहा हूं टू इन द यूएस देर इज अ फॉर्मल प्रोसेस फॉर डिक्लेयरिंग वॉर सो लेकिन टू और वन के नॉट बी एक दूसरे के बाद थोड़ा वर्ड है लेकिन की वर्ड मैच है थ्री that's how the collective works so three cannot be the opener can three be the opener as long as we believe collectively believe that the u.s is governed by the constitution those formal structures will be enough for the u.s to declare war lag hai. four even if most or even the majority of people in the u.s did not believe that the u.s was declaring a war it would be sufficient if कांग्रेस डिड बेटा देखो फोर कितना प्यारा लग रहा है ठीक है फोर कितना प्यारा लग रहा है फोर में क्लियरली बता दिया है एक इंट्रोडक्शन दिया है ठीक है एंड बताया है कि भले ही करे या ना करे लेकिन कांग्रेस वॉर डिक्लेयर कर सकती है ठीक है सो so पता नहीं क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि फोर और वन में तो कुछ तो है ठीक है क्योंकि वाई बिकॉज कांग्रेस इज द फॉर्म मतलब वन इज दैट आंसर जो फोर को आंसर कर सकता है अगर आप ऐसे देखते हो तो फोर वन किधर आया भाई साहब फोर वन तो इधर आ रहा है फोर वन और किधर भी नहीं आ रहा है ठीक है हाँ लेकिन ये भी गलत है ठीक है सॉरी सॉरी फोर वन इधर भी आ रहा है फोर वन इधर भी आ रहा है सॉरी सॉरी माय बैड माय बैड और इधर भी आ रहा है मैंने बहुत जल्दबाजी की गलत है ठीक है सो बी और सी तो निकल गया बी और सी तो निकल गया हंड्रेड परसेंट सो अभी पीपल इट इज ए और इट इज डी ना यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कैन फोर स्टार्ट द सेंटेंस और कैन टू स्टार्ट द सेंटेंस फोर शुरू कर सकता है कि टू तो देखो ठीक है अच्छा फोर के टू नाउ फोर इवन इफ मोस्ट सो पीपल फोर इज स्टार्टिंग विद इवन इफ है ठीक है एंड टू इज स्टार्टिंग विद इन द यूएस एस देर इज अ फॉर्मल प्रोसेस फॉर डिक्लेयरिंग वॉर हंड्रेड परसेंट बिटवीन फोर एंड टू टू मेक्स मोर सेंस ठीक है हंड्रेड परसेंट बिटवीन फोर एंड टू टू मेक्स मोर सेंस अच्छा टू फोर वन थ्री टू फोर वन थ्री को एक बार पढ़ लो तो ये आपका निकल गया है बट एक बार पढ़ लो पढ़ भी लो बिकॉज गारंटी करना है सो टू फोर वन थ्री को पढ़ेंगे सर आप पढ़ेंगे बबुआ सो so, अभी इसको हटाओ इसको हटाओ हम आपको पूरा समझा रहे हैं फोर वन थ्री पढ़ो इन दू एस दर इज अमल प्रोसेस फॉर डिक्लेरिंग वॉर बापरेवन इफ मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलीव दैट दू एस वॉज डिक्लेयरिंग इट वुड बी सफिशियंट कांग्रेस कैन डिक्लेयर वॉर सो टू फिर फोर हंड्रेड परसेंट फोर के बाद वन तो हमने डिटरमाइन कर ही दिया है वाई बिकॉज कांग्रेस इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फाइनली थ्री कलेक्टिव वर्क्स तो कहीं ना कहीं थ्री उसको कंक्लूड कर रहा है एंड पीपल uh, कर करना सर जैसे, वरना जल्दी जल्दी में फोर वन लगा के ए मार्क कर दोगे एंड गलत होगा क्योंकि ए में पीपल फोर के बाद वन के बाद टू वन के बाद टू नहीं आ सकता ठीक है पीपल वन के बाद थ्री आएगा क्योंकि थ्री इज द कंक्लूडर ज इम्पॉर्टेंट सो शांति से करना है एंड अच्छा आई एम वेरी हैप्पी मैंने गलती करी ताकि मेरे बच्चों को समझ आया कि क्या नहीं करना है परफेक्ट परफेक्ट कैसे करेंगे बट और है सर अभी तो पार्टी कंटिन्यू हो रही है खत्म नहीं हो रहा है अभी थोड़ा लंबा है वन टू थ्री फोर ये आप करोगे मैं नहीं करने वाला आप करके मेरे को आंसर बताओ सो पीपल ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन में अगर आप देखते हो सो so, या तो थ्री या तो टू या तो फोर शुरुआत कर रहा है ठीक है uh, वन थ्री वन थ्री वन ओ एन के मैंडेटरी पैर तीन जगह पे आ रहे हैं वो भी देख लो एक बार वन टू मैंडेटरी पैर भी आ रहा है ठीक है बट चलो ज्यादा कंफ्यूज मत हो चिल मारो ठीक है तो अभी शांति से पढ़ेंगे एंड देन पीपल यू ऑल हैव टू गिव मी आंसर मैं हट गया स्क्रीन से आइंस्टाइन फॉर वन रिगार्डेड द अमेरिकन फिजिसिस्ट एडवर्ड मिशिल को डिजाइन द एक्स

ये अच्छा तो लग रहा है ये मेरा विचार है थ्री साइंटिस्ट लाइक आर्टिस्ट आर प्रेस्ड फॉर क्रिएटिविटी ओरिजिनलिटी एंड एस्थेटिक सेंसिटिबिलिटी ठीक है थ्री अच्छा लग रहा है बट पीपल थ्री भी ओपनर नहीं लग रहा है मेरे को ठीक है चलो फोर

इरेज uh, तो टू फोर है इधर टू फोर है किधर भी नहीं करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी खाता और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बट हम फिर भी प्रूफ करेंगे क्योंकि हम आपके आपके टीचर हैं हम ऑल तो शॉर्टकट नहीं दिखाएंगे आपको डरावने डरावने ठीक है बेटा टू फोर थ्री वन देख लो सुन लो जान लो समझ लो टू फोर थ्री वन में इसको हटाएंगे ज्यादा वैसे कचरा तो नहीं है तो टू के बाद फोर आ गया Uh, क्योंकि वर्क्स ऑफ आर्ट वर्क्स ऑफ आर्ट टू फोर क्या था थ्री वन ठीक है तो थ्री क्या है साइंटिस्ट देम सेल्व तो अभी साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ है ठीक है लाइक आर्टिस्ट प्रेस्ड एंड पीपल साइंटिस्ट के बाद वन में भर भर के एग्जाम्पल्स ऑफ साइंटिस्ट दिए हैं तो कहीं ना कहीं जो थ्री ने मेंशन किया है वो वन ने उसको कंटिन्यू करा है विस्तार में कंटिन्यू करा है सो पीपल दैट इज वाई आंसर इज टू फॉर थ्री वन वन सेकेंड इट इज मेकिंग लॉजिकल सेंस कंप्लीट सेंस बेटा एक बात याद रखना जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो डावाडोल हुआ था एंड आई विल स्टिल रिपीट इट बिकॉज मेरे बहुत सारे फैंस भी बैठे हैं यहाँ पे जो ये सेंटेंस रिपीट हुआ था यहाँ पे आई एम माई सेल्फ एक्सेप्टिंग इट के कंफ्यूजिंग था ये मेरा ओवर साइड था क्योंकि यहां पे फोर वन था यहां पे फोर वन हमने नहीं देखा था ठीक है तो बेटा इसके पहले आप शुरू करो क्योंकि आप शुरू करोगे सर को तो नहीं आता बेटा ह्यूमन एरर है हम भी ह्यूमन है तुम भी ह्यूमन हो और गलतियां करेंगे तो पकड़ पकड़ सकोगे सीखोगे जानोगे तो ये याद रखना ठीक है तो रैदर देन फोकसिंग ऑन दिस फोकस ऑन योर लर्निंग एंड फोकस कि तुम कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो ठीक है चलो सो पीपल आई होप आई होप आई होप कि मेरे सारे रॉक को समझ में आया आपके डीपीपीज में से थोड़ा ट्रेलर था पिक्चर बहुत एक्साइटिंग है आई हम्बली रिक्वेस्ट आज का दिन आपको शांति से सारे के डीबीपी सॉल्व करने हैं एमसीक्यू बेस करने हैं ये तोड़ोगे तो जाके नॉन एमसीक्यू को तोड़ पाओगे दिस इज माय प्रॉमिस टू यू ठीक है एंड नॉन एमसीक्यू जोर शोर से करेंगे भाई साहब ठीक है सो आई होप द सेशन वाज फन मुझे प्लीज प्लीज, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताना पीपल डिड यू एंजॉय डिड यू फाइंड इट यूजफुल आई यू लाइकिंग अमित सर के सेशन आपको और कौन से टॉपिक्स चाहिए हंड्रेड आई एम लिस्टिंग टू यू तो ये कॉमेंट सेक्शन में छोड़ देना जनरली अगर मजा आया तो यार एक थम्स अप एक हार्ट एक फायर इमोजी जरूर दे देना आल बी बैक नेक्स्ट वीक रिमेंबर विद नॉन पैरा पैराजल पार्टी तो चल रही है एंड वी आर हैविंग टू मच फन अंटिल देन प्लीज टेक केयर प्लीज स्टे सेफ प्लीज कीप रॉकिंग दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ